तो अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, ओरिजिनल टेक टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तो दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको अलिनमा पेशे एसटीसी जेन मोबाइली लेबरा रेडबुल सलाम यानी किसी भी कंपनी का सिम रिचार्ज करने का तरीका बताऊंगा। दोस्त, अलिनमा पेशे किसी भी कंपनी का सिम हो, आप बहुत ही इजी तरीके से रिचार्ज कर सकते हो। तो चलिए दोस्त, बिना देरी के हम आपको लेकर चलते हैं अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पर और जानते हैं अलिनमा पेशे किसी भी कंपनी का सिम रिचार्ज करने का तरीका। इससे पहले दोस्त, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फाइनली दोस्त, मैं आ चुका हूं अपनी मोबाइल के होम स्क्रीन पर। दोस्त, अलिनमा पे से आप इंटरनेट पैकेज वाला रिचार्ज कर सकते हो और एक नॉर्मल रिचार्ज भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्त, जानते हैं अलिनमा पे से रिचार्ज करने का तरीका। तो सबसे पहले आपको अलिनमा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्त, आपको अपने पासकोड से इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्त, आपका अलिनमा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब दोस्त, नीचे में आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला है होम, दूसरा है कार्ड्स, तीसरा है शॉप और चौथा है ऑफर और पांचवा है मोर। तो आपको यहाँ शॉप पे ऊपर ही क्लिक कर देना है। शॉप पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ ऊपर साइड में देखिए, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बाएं की तरफ सरकाना है। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन स्टोर, प्ले स्टेशन, शॉपिंग और यहाँ पे है टेलीकॉम एंड इंटरनेट। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बहरीन का है, यूएई का है, सऊदी अरबिया का फ्रेंडी है, गो टेलीकॉम है, लेबरा है, यानी बहुत सारे कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, एसटीसी है, रेडबुल है, सलाम है, विर्गिन है, जेन है, देखिए जेन सऊदिया, जेन जिद्दा, जेन कुवैत, जेन बहरीन, यानी बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हो। चलिए मैं आपको एसटीसी का रिचार्ज लेकर आपको दिखला देता हूँ। दोस्त, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है। मान लीजिए आप इंटरनेट का रिचार्ज करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है एसटीसी क्विक नेट, इसमें आपको इंटरनेट डाटा मिल जाएगा, एमबी मिल जाएगा और यहाँ पे नीचे है सवार रिचार्ज, इसमें आपको बैलेंस मिल जाएगा। जैसे 20 का होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, वो बैलेंस आपको मिल जाता है। चलिए मैं ओपन करके आपको दिखला भी देता हूँ। चलिए पहले हम नेट वाला देख लेते हैं। तो एसटीसी पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ये है 10 GB 3 महीने के लिए, जिसमें आपको 201 रियाल देना होगा। और यहाँ पर है 300 GB, ये है 3 महीने का, जो कि 540 रियाल का है। यह काफ़ी इसमें महंगा है, इससे आप रिचार्ज ना करें तो ही अच्छा है, काफ़ी महंगा महंगा यहाँ पे दे रहा है। ओके दोस्त, चलिए हम रिचार्ज करने का तरीका जान लेते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों, फिर से यहाँ पे मैं टेलीकॉम एंड इंटरनेट पे क्लिक करते हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर है सवा रिचार्ज, तो सवा रिचार्ज पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, सवा का सारा रिचार्ज यहाँ पे शो हो जाएगा। 23 रियाल का है और 57 रियाल का है, 115 का है, 345 का है, यानी बहुत सारे जितना भी सवा का रिचार्ज होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। 20 का है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मान लीजिए आप इनमें से कोई भी रिचार्ज लेना चाहते हैं, चलिए मैं ये 20 वाला रिचार्ज लेकर आपको दिखला देता हूँ। टैक्स के साथ में आपको 23 रियाल पड़ जाएगा। तो इसके ऊपर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे नीचे लिखा है परचेस नाउ, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त, फिर से आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्त, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को डालते ही रिचार्ज का नंबर आपके डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। इस नंबर से आप रिचार्ज कर सकते हो। ओके दोस्त, तो दोस्त इसी तरह से आप अलिनमा पे से किसी भी कंपनी का सिम रिचार्ज कर सकते हो।